बस वाले ने कर दिया है स्कैम और हमें बीच आधे मेरठ में प्रतापपुर के सामने रोक वेट कर रहा हूँ मैं उनका। ये मेरी राइड कैंसिल ना कर दे बस एक ओके कैंसिल कर दी है मेरे ख्याल से। और हे गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू माय चैनल, एक बार फिर आ चुका एक नए ब्लॉग के साथ। अभी सुबह के बज रहे हैं 9:30 और मैं निकल रहा हूँ अपने घर के लिए। अब बेसिकली आज का कुछ प्लान ऐसे होने वाला है कि सडन से पहले मेरा कोई प्लान नहीं था घर जाने का, बट समहाउ मम्मी ने बोला कि घर आ जा, तो मैं यहाँ से सीधा, पहले अभी मैं मॉर्निंग में ऑफिस निकल रहा था बट मूड में हुआ चेंज और हम सीधा जा रहे हैं अपने घर। अभी मैंने अपने लिए कर लिया रैपिडो बुक और मैं जा रहा हूँ मोहन नगर रैपिडो से। अब मोहन नगर से मैं चेंज करूँगा, वहाँ से कोई भी बस मुझे मिल जाएगी। मेरा अगर पहले से प्लान होता तो मैं ट्रेन बुक करके जाता, हमेशा उसमें ही जाता हूँ, उस पर मेरे लिए हमेशा कन्वीनियंस रहती है। बट समाओ अभी मुझे निकलना पड़ेगा जल्दी घर, तो मैं भी निकल रहा हूँ। मैंने बैग अपना पैक कर लिया था और सुबह 9:30 ही मैं आज निकल रहा हूँ। बैग मैंने ऑलरेडी पैक कर लिया है, मैं रेडी हो चुका हूँ। और ये गर्मी का तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो गया है नोएडा के अंदर। रैपिड वाले भैया अभी तक आए नहीं है, काफ़ी देर से वेट कर रहा हूँ मैं उनका। ये मेरी राइड कैंसिल ना कर दे बस एक ओके कैंसिल कर दी है मेरे ख्याल से। और दूसरे वाले कैप्टन आ रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, मैं वेट कर लेता हूँ। ये रैपिड वाले भैया बहुत कोऑपरेटिव थे, इन्होंने मेरा राइड कैंसिल नहीं करा था क्योंकि इससे पहले 2-3 राइडर ने मेरा कैंसिल कर दिया है। बस मैं यहाँ से फटाक से बैठता हूँ रैपिडो में और यहाँ से निकलूँगा मैं सीधा मोहन नगर, क्योंकि ना अगर मैं कश्मीरी गेट जाता हूँ कश्मीरी गेट से मुझे बहुत टाइम लग जाएगा वहाँ जाने में, और मोहन नगर जाने का जाम बहुत लगता है। तो एटलीस्ट मेरा आधा एक घंटा तो मेरा बचा लेगा अगर बाइक से मैं जाता हूँ। तो मैं फटाक से यहाँ निकल गया हूँ, भैया आई थिंक गलत रास्ते पे मुझे लेके आ गए हैं यहाँ पर। सो फिर मैंने भैया को बोला कि मैं आपको रास्ता बता देता हूँ, आप मेरे बताए हुए रास्ते पे चलो। सो अभी वो सोच रहे थे कि यहाँ से गली के रास्ते निकल जाएंगे बट ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, तो मैंने इसलिए भैया को बोला भैया मैं आपको बता देता हूँ, आप उस अकॉर्डिंग चलो। अब बेसिकली मेरा घर जाने का प्लान क्यों है, क्योंकि मैं अभी बेसिकली रिज़ाइन पर चल रहा हूँ, और रिज़ाइन पर जाने के बाद मुझे कुछ ऐसा प्लान है मेरा कि आज का पूरा दिन सुबह से मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं सुबह पहले मॉर्निंग में जा रहा था बाल कटवाने के लिए, पहले रात को जा रहा था, रात को भी उस टाइम पे शॉप बंद हो गई थी क्योंकि मुझे ऑफिस आने में लेट हो गया था, और अभी भी जा रहा था मॉर्निंग में तो मुझे कोई नहीं मिला। 9:30 बज गए थे, 9:30 मैं निकल गया था। ऊपर से हेलमेट पहनने की वजह से मेरे बाल और ख़राब हो गए हैं, बिल्कुल फ्रीजी फ्रीजी तो पहले से ही हो रहे थे। अगर किसी के पास अच्छा ऑप्शन हो, वैसे तो मैं इसका ऑलरेडी ट्रीटमेंट का सोच रहा हूँ बालों का, क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा फ्रीजी हो गए हैं, तो मैं सोच रहा हूँ उस पर कुछ स्पा करवा लूँ या फिर कुछ करवा लूँ, क्योंकि पिछले बार मैंने जब स्ट्रेट कराए थे बाल उसके बाद मेरे बालों की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा रफ हो चुकी है। तो मैं यही सोच रहा था कि मैं कोई अभी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट ना करूँ। तो अभी मैं पहुँच गया था सेक्टर 62 से मुझे बस थोड़ा सा ही दूर है यहाँ से। रैपिडो वाले भैया भी बहुत सही से चला रहे थे, बट यहाँ पर मुझे ना सबसे ज़्यादा वो हो रहा था कि धूप जो पड़ रही थी मुझे समझ नहीं आ रहा आजकल, मतलब दिल्ली एनसीआर में सीधा मॉर्निंग कुछ हो ही नहीं रहा है, सीधा ही 9:00 ही दोपहर हो जाली धूप आनी स्टार्ट हो गई है। सो अभी यहाँ से बस जैसे तैसे बस निकलता हूँ और आगे बढ़। दिल्ली में तो टेम्परेचर 45 से 47 डिग्री चल रहा है दिन के टाइम पे। आप मुझे बताएं आप कौन से शहर से मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपके शहर में अभी टेम्परेचर क्या हो रहा है। दिल्ली में तो 47 डिग्री चल रहा है। फाइनली मैं पहुंच चुका हूं मोहन नगर। अब बेसिकली मुझे यहां से बस पकड़नी है, कोई भी बस मुझे मिल जाए रैंडमली तो मेरे लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा। जैसे ही मैं बस में बैठा, बस वाले ने बहुत पुराने गाने लगाए थे। बेसिकली मैं उत्तराखंड रोडवेज से जाता हूँ बट मुझे अभी गाड़ी नहीं मिल रही थी, इसलिए मैं यूपी रोडवेज को देखा मैंने वहाँ पर। गर्मी का सच में टेम्परेचर की वजह से बहुत बुरा हाल हो रखा है। बस मैं जैसे जैसे अपने घर पहुँच जाऊँ, उत्तराखंड का टेम्परेचर तो यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम है, अभी तो वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा सही हो रखा है। बस वहाँ जाऊँगा, इन्जॉय करने वाला हूँ मैं बहुत ज़्यादा। बस यहाँ पर ये हमेशा ना जब भी मैं यहाँ से यूपी रोडवेज या उत्तराखंड रोडवेज जहाँ से मेरठ से क्रॉस होते हुए निकलता हूँ, तो ये गोला वाला और ये सारे बहुत सारे आते हैं। बस वाले ने कर दिया है स्कैम और हमें बीच आधे मेरठ में प्रतापपुर के सामने रोक दिया है। तो बेसिकली अभी मैं वेट कर रहा हूँ अपने कोई बस मुझे मिल जाए मेरे कोटद्वार के लिए, क्योंकि अभी मैं यहाँ पर से एक बस तो आई है, मैं देख लेता हूँ ये कहाँ पर जा रही है। प्रतापपुर से मैंने 25 रुपये का दोबारा से टिकट ले लिया है जो कि मुझे मेरठ पे उस बस स्टैंड पे रोक देगा और वहाँ से मैं अपने घर के लिए निकल जाऊँगा। बेसिकली मेरे आज तक यहाँ पर कभी ऐसा हुआ नहीं है, पहली बार हुआ है। माइट भी अभी यात्रा के लिए बहुत सारी बसेस चल रही हैं, तो यहाँ से बस हमारे इधर के लिए बस अभी शॉर्ट हो गई होंगी, तो बस कोई बात नहीं, मैं जैसे तैसे निकलता हूँ अपने घर और आपको। आज पूरा दिन ही खराब है, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। तो
बेसिकली अभी मैं पहुंच चुका हूं मेरठ से मैं चेंज करूंगा बस, क्योंकि डायरेक्ट मुझे कोई भी बस नहीं मिल रही है। मैं ढूंढ लेता हूं और कोई बस जो भी अभी अवेलेबल होगी और पहुंचता हूं जल्द से जल्द अपने घर, क्योंकि जो गर्मी से बुरा हाल हो रखा है वो मैं ही जानता हूं यहां पर। सो यहां ढूंढ रहा हूं मैं कोटद्वार की बस। ये मेरा पैकेज है, ये भी दिक्कत कर रहा है, सारे यूपी रोडवेज मिल रही है, नजीराबाद की है तो शायद यही जाएगी भाई कोटद्वार। फिलहाल तो मुझे जब आधे तक की बस मिली है मैं वहीं तक जा रहा हूँ। ये भी इस वीडियो को मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मेरे फ़ोन में चार्ज हो गया है ख़त्म। ये आईफोन की बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, अभी मेरा फ़ोन अभी तो डेड होने ही वाला है, इसलिए वीडियो मैं जब तक रिकॉर्ड कर पाऊँगा इसे करूँगा और अगला व्लॉग मैं स्टार्ट करूँगा जब मेरा मोबाइल चार्ज हो जाएगा। जैसे मैं पहुँच जाऊँगा उसके बाद मैं नया व्लॉग शूट करूँगा। बस मैं यहाँ जैसे तैसे करके पहुँच गया था नजीराबाद से मैंने उठा ली थी एक प्राइवेट क्या बोलते हैं टैक्सी मैक्सी कुछ भी कहते हैं इसे, तो उसमें मैं किया था और मैं वहां से निकल गया था। मिलते हुए से किसी और ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय।